नौवीं स्कूल जा रहे एक छात्र को ट्रक ने कुचल दिया। हादसे के समय मौके पर ही स्थानीय दुकानदार मौजूद थे, जिन्होंने ट्रक को रोक लिया। घटना की जानकारी परिजन को दी गई, जहां लोगों ने मार्ग को जाम कर दिया। पुलिस ने समझाकर मार्ग को खाली करवाया, वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। पूरा मामला पूर्वा कोतवाली थाना क्षेत्र के भगत खेड़ा गाँव की है, जहाँ रहने वाले राजेंद्र कुमार का 6 साल का बेटा राजू गाँव के पास स्थित एक निजी स्कूल में पढ़ता था। मासूम कक्षा 1 का था। इसी दौरान ऋषि कुल विद्यालय के पास रोड क्रॉस करते समय पूर्वा सोहरामऊ मार्ग से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने छात्र को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक्सीडेंट होते हुए मौजूदा आसपास के लोगों ने मार्ग पर जाम कर ट्रक को रोक लिया। वहीं परिजन कई मांगों को लेकर हंगामा करते रहे। हादसे की जानकारी पुलिस को हुई तो मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने समझाने बुझाने का भी प्रयास किया, लेकिन परिजन नहीं माने। कुछ देर बाद उप जिलाधिकारी पूर्वा अजीत जायसवाल भी मौके पर पहुंचे। परिजनों की मांगों को लेकर आश्वासन दिया गया। आपको बता दें कि इसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने जाम किए मार्ग को खोल दिया। मृतक के पिता का कहना है कि ट्रक मालिक को बुलाया जाए और उनकी मांगों को पूरा किया जाए। मृतक छात्र राजू की एक बहन जानवी जो 6 वर्ष की है, वहीं भाई पिल्लू 3 वर्ष का है। पूर्वा कोतवाली प्रभारी चंद्रकांत सिंह ने बताया कि घटना हुई है, वहीं परिजनों की ओर से तहरीर मिलने के बाद मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।